कोणार्क अपना शहर अपनी बात। मशहूर समाज सेवक हरदिल अजीज एंकर रमेश नानकानी की प्रथम पुण्यतिथि पर कोणार्क अपना शहर अपनी बातें की टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। निदा साहब ने ये शेर रमेश नानकानी जैसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के लिए ही लिखा होगा, क्योंकि क्या नहीं था ये बहुमुखी प्रतिभा वाला कलाकार। अभिनेता, लेखक, निर्देशक, एंकर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव या विचारवंत, उसने अपने हुनर का लोहा हर फील्ड में मनवाया। फिर वो टीवी हो या स्टेज हो, सिनेमा हो या वेब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 52 साल की छोटी सी जिंदगी और 30 साल का लंबा करियर, हर कदम पे एक नई चुनौती, एक नया रोल। 24 अप्रैल 1967 को उल्हास नगर में गोधुमल और विद्या नानकानी के परिवार में जन्मे रमेश ने प्रारंभिक पढ़ाई जय हिंद स्कूल में और फिर चांदीबाई कॉलेज में की। कॉलेज में ही वो रंगकर्म, खासकर अभिनय की कला के प्रेम में वो ऐसे पढ़े कि इस कला से उनका साथ पूरी तरह कभी नहीं छूटा। जीवन की आपाधापी में उनके अंदर का कलाकार बार बार पीछे छूटता रहा, पर रमेश हमेशा ठिटक कर मुड़कर फिर उस कलाकार का हाथ थामने और उसे अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहे। ये कड़वी सच्चाई है कि सिंधी समुदाय में कला के वैसे या उतने कद्रदान नहीं है कि एक कलाकार केवल अपनी कला के बूते अपने जीवन की गाड़ी को चला सके, और शायद यही कारण था कि रमेश नानकानी जीवन भर अपनी कला की तपस्या करने के लिए आर्थिक स्तर पर संघर्ष करते रहे। एक तरफ परिवार की, समाज की जिम्मेदारियां थी और दूसरी ओर कला की उपासना और उनकी इच्छा आकांक्षाएं। इस कॉन्फ्लिक्ट में वो ताउम्र जीते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तपस्या और साधना को नहीं छोड़ा, सिंधी भाषा और कला का दामन नहीं छोड़ा। कभी अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया तो कभी एंकर बनकर उनका सुख दुख बांटा। कहते हैं कि इंसान को हमेशा शुक्रमंद होना चाहिए, सबसे पहले तो परमात्मा का, क्योंकि वही परम आत्मा है जिसने इंसान को इस धरती पर भेजा ताकि वो अपने सद्कार्यों से अपना जीवन सफल बनाए और दूसरों को भी काफी खुश रख सके। कलाकार बनने का वरदान उन्हें अपनी कॉलेज लाइफ में ही मिल गया था। चांदीबाई कॉलेज में ड्रामा के लिए कई पुरस्कार और मिस्टर चांदी बेस्ट स्टूडेंट पुरस्कार जीतकर निकले रमेश 80 के दशक में ही सिंधी रंगमंच के दिग्गजों में से एक भाव एसपी मेघानी के सिंधु कला मंदिर ग्रुप में शामिल हो गए और उस समय ग्रुप के तमाम लोकप्रिय सुपर डुपर हिट नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इन नाटकों में सिंधु कला मंदिर के सदाबहार नाटक यादकंदा और घर गुरुवर जोदर आदि शामिल थे। उसी समय टेलीविजन का संसार फैल रहा था और धारावाहिकों का दौर अपने शुरुआती चरण में था। ऐसे में रमेश का अगला स्वाभाविक कदम टीवी और फिल्म दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना था। टीवी सीरियल इंतजार, अदालत और अन्य कई सीरियल में उन्हें छोटे मोटे रोल तो मिले, पर बड़ा ब्रेक नहीं मिला। फिल्मों में भी उन्होंने किस्मत आजमाई। नाना पाटेकर निर्देशित प्रहार में तो माधुरी के ऑपोजिट रोल मिलते मिलते रह गया था। फिल्म व टीवी जगत में संघर्ष रंग लाता, उससे पहले पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण रमेश को अपने जुनून को छोड़ना पड़ा। अगले कुछ वर्ष रमेश ने पूरी तरह अपने पारिवारिक जीवन को दिए। कुछ समय LIC एजेंट के रूप में कार्य किया और फिर फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग का कार्य किया। अपने मित्र पूनम से विवाह किया। घर में प्रिया, सृष्टि और स्मृति के रूप में 3 बेटियों का आगमन हुआ। हालांकि कला को उन्होंने पूरी तरह त्यागा नहीं था, पर अपनी इन 3 बेटियों के प्यार और स्नेह में उन्होंने अपने को भुला दिया। बाप को वैसे ही बेटियों से बहुत लगाव होता है,
पर एक कलाकार बाप के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि उसने अपनी बेटियों के लालन पोषण और जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने अंदर के कलाकार को कई वर्षों तक गहरी नींद में रखा, पर मरने नहीं दिया। उसके प्रेम में भी उसका हुनर नजर आता था। पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों ने रमेश नानकाने को जकड़ा जरूर, पर अपनी गिरफ्त में रखने में कामयाब नहीं हुई। शायद यही वजह थी कि वो कभी नौकरी या धंधे में बंधे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार उन्होंने नौकरी पकड़ी तो उनके अंदर का कलाकार मर जाएगा। इसीलिए उन्होंने सारी उम्र फ्रीलांसिंग की, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी पसंद का काम करते रहे। हालांकि इसकी कीमत उन्हें अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव से मुफलिसी और गरीबी भरा जीवन जी के चुकानी पड़ी, पर उन्हें इसका कभी गम नहीं था। इस संघर्ष भरे जीवन को जैसे रमेश ने हंसते हुए स्वीकारा था, और उसी तरह उसके परिवार ने भी उसका साथ हर कदम पर दिया। 90 के दशक में रमेश ने फिर रंगमंच पर कदम रखा। वह अमेचर नाट्य संस्था दखल के साथ शंकर शेष लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य तथा शरद जोशी के व्यंग नाटक एक था गधा में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इस दौरान टीवी और चैनल्स बिजनेस करवट ले रहा था और दैनिक धारावाहिकों का दौर शुरू हो चुका था। रमेश ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन इस बार संघर्ष और कठिन था, वह लंबा नहीं चल सका। इसी दौरान रमेश इंडियन एक्सप्रेस समूह के सांध्य हिंदी दैनिक संझा जनसत्ता में उल्लास नगर से खबरें देने यानी पत्रकारिता की शुरुआत कर चुके थे। बाद में उन्होंने हिंदी दैनिक नवभारत, सिंधी दैनिक हिंदू, हिंदी दैनिक धनुषधारी और पिछले साल शुरू हुए राजस्थान पत्रिका के मुंबई संस्करण में भी सेवाएं दी। बीच में बेहद संक्षिप्त अवधि के लिए मुंबई से प्रकाशित प्रातःकाल और उर्दू टाइम समूह के हिंदी दैनिक मुंबई प्रहरी टाइम्स में डेस्क पर नौकरी भी की। इधर उल्लास नगर में केबल टीवी न्यूज का दौर जोर पकड़ रहा था और रमेश ने कोणार्क कंपनी के समाचार बुलेटिन, अपना शहर अपनी बातें, जनादेश और सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम सिंधी सुगंध में कई साल तक एंकरिंग भी की। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कुछ साल पहले शुरू हुई साईं पार्टी के समाचार बुलेटिन मेरा उल्लास का तो पूरा कामकाज संभाला। निदा साहब का ही एक शेर है, मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। रमेश ने कभी अपने किस्मत से लड़ना नहीं छोड़ा। पैसे भले ना कमाए, पर दोस्त काफी कमाए। किसी के काम आना, किसी के बुलावे पर चले जाना, ऐसी खूबियां थी कि रमेश को बाद के वर्षों में काम की कमी ना रही। हालांकि काफी काम एक तरह से समाज सेवा का ही होता था, इसलिए उसमें पैसा या तो बहुत कम या नहीं ही होता था, पर रमेश को इसकी खास परवाह भी नहीं थी। कहते हैं जिंदगी एक मौका जरूर देती है, रमेश को भी मिला। इवेंट्स मैनेजमेंट का कार्य करने वाले सतीश चांडवानी ने रमेश को एक सिंधी फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकारा और 2 वर्ष की कड़ी मेहनत से फिल्म बनाने का सपना पूरा किया। पहिंजो हिकड़ो ही यार आ 16 मई 2014 में दुबई में रिलीज हुई। फिल्म की कथा पटकथा के साथ बैठकर तैयार करवाने से लेकर गीत संगीत तैयार करवाने, शूटिंग की योजना बनाने, तकनीशियनों कलाकारों की टीम बनाने, लोकेशन से लेकर यूनिट के रहने खाने की व्यवस्था तक और शूट समाप्त होने के पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम रमेश ने किया और करवाया। आज के सोशल मीडिया के जमाने में कोई एक छोटा काम भी करता है तो उसका शोर वो ट्रम्पेट बजा के करता है। रमेश नानकानी जैसा कलाकार चुपचाप न जाने क्या क्या कर गया। ये बात और है कि उसका मूल्य उसे कभी नहीं मिला। फिल्म सफल हुई और सिंधी फिल्म उत्सव में पुरस्कार भी जीते। एक अभिनेता और फिल्मकार के रूप में ये कैसा मौका हासिल था जिसके रमेश कई बरसों से तलबगार भी थे और सही मायने में हकदार भी। लगभग 20 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म की फीस के रूप में रमेश को एक पैसा नहीं मिला। कारण तय हुआ था कि उन्हें फिल्म से होने वाले फायदे में हिस्सा मिलेगा, और फिल्म ने फायदा कमाया ही नहीं। लेकिन रमेश ने उफ तक नहीं की, क्योंकि वो फिल्म को और अपने काम को मिले प्रतिसाद से खुश थे। किसी भी हाल में खुश रहने वाले इस कलाकार की 2 बुरी आदतों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। एक चेहरे की मुस्कुराहट और दूसरी
किसी से भी मिलने पर बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाना। आज रमेश नानकानी को गुजरे कई दिन हो गए, पर यकीन नहीं हो रहा कि वो शख्स हमारे बीच में नहीं है। अभी लगता है कि कहीं से एक आवाज आएगी, फिर मिलेंगे कहीं न कहीं। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। ताजा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।